हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और मैं रिएक्शन करने वाली हूँ अभी एक वीडियो पे जो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये है इंडियन आर्मी एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट वीडियो। सो देखते हैं कि इंडियन आर्मी की लेटेस्ट एडिट्स हैं सो कैसे हैं, और अच्छे ही होंगे वैसे तो, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त किस्म के पहले मैंने रिएक्शन कर चुकी हूँ। बड़े मज़े की वीडियोज़ होती हैं उनकी, और जो एटीट्यूड वाली वीडियोस बड़ी अच्छी एडिट्स जो होते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। सो लेट्स प्ले दिस वन। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाके मुझे ज़रूर फॉलो करना। और जो आप सजेस्ट करेंगे वीडियोज़ वो वहाँ पर ज़्यादा अपलोड होंगी। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लेट्स प्ले दिस वन। पेड़ों की सुरक्षा करने में नंबर दो पर आता है, और शेर पैदा करने में नंबर एक पर। ये सही था। ये सारे उनके फोटोज हैं। आर्मी जस्ट नॉट ग्रीन यूनिफॉर्म और कुछ भी पहना दो उसको कमांडो बोल दो, नहीं या फिर कमांडो बना दो उसको, कर दो एंड यस कमांडो। देखो कमांडो इज एन एटीट्यूड, उसको जरूरी नहीं है बल्कि होना चाहिए, होना चाहिए गंजे बाल होना चाहिए ना, कमांडो इज एन एटीट्यूड अंदर से। सही बात है। सेना में हमारे पास एक ही मापदंड है, वो तुम कितने धुरंधर हो, कितने बड़े योद्धा हो, तुमको रात को बोले कि यार उनके मुझे देखो, सुबह मैं एज अ कमांडर सिर्फ ये चीज बोलूंगा यार टाइगर हिल किधर है। Oh my God, ये कौन लोग हैं? घी निकलता नहीं है, हम हर समस्या के और फेस करने के लिए भी तैयार हैं। वो इंडिया चाइना बॉर्डर्स में कर रहे थे बीच। जंगल में भूत दिखता है क्या? पूछ रहे हैं लोग, जंगल में भूत दिखते हैं क्या? जंगल के भूत क्यों होते हैं? हम मनुष्य का भूत कौन हो सकता है? ओहो, ये आर्मी वाले लगता है, ठीक है ना? जंगल में भूत कह रहे हम ही हैं। सही बात है अगर सोची जाए तो। ये रहम वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्र राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया। ही इज मेजर ना, मेजर गौरव। अगर राष्ट्र राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है तो बेटा तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे एक मिनट के अंदर। ओह माय गॉड। अच्छा, इनके एटीट्यूड पे ना बड़े सजेशन ज्यादा थे, और इनके एटीट्यूड की एडिट्स भी बड़े होते हैं, तो इन पे कभी रिएक्शन करेंगे। ओह माय गॉड।
इधर ना बीच में थोड़ा फनी पाकिस्तानी आर्मी के कुछ फनी पार्ट्स डाले हुए हैं। Oh my god. इतनी इतनी बर्फ में इतने माइनस टेम्परेचर में ये इंडियन है, इंडियन गेम है ना। उसको सारा जुबानी याद है, वो पूरा सुना रहा है। ओह माय गॉड, देखिए एक बात बताइए आप। जी सर, आप ये हमने देखा कि डॉग्स जो थे, आपने जैसे ही बोला, आपने इनको गो का इशारा करा। हाँ जी। ये बेखौफ होके बिना डरे हुए कूद गए अंदर। जी। कुत्ते, ये ट्रेनिंग किस तरीके से करते हैं आप? कुत्तों की ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। डॉग को अपने हैंडलर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, विश्वास। मुझे लगता है नॉर्मल इंसानों से, आर्मी इंसानों से ज़्यादा खतरनाक तो वो जो उन्होंने डॉग्स रखे होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और वो वैसे भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अमित सिंह राणा एमएमई उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस निडर नौसैनिक ने बहादुरी के साथ गौशाला को उड़ा दिया और तीन आतंकवादियों का सफाया कर दिया। फाइन भरने के लिए कहा था, पुलिस बार पुलिस वालों और युवक के बीच जमकर बहस हुई तो मैं कहता है कि रुको, बात करने दो, मैं सारे देश के लिए मरता हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। इस दौरान खुद को एनएसजी का जवान बताने वाला एक युवक पुलिस वालों की पिटाई भी कर दी। युवक का नाम गणेश गोपीनाथ भी बताया जा रहा है। अच्छा, वो रियल आर्मी वाला, मुझे लगा शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा था, इसलिए मुझे लगा शायद पुलिस वालों को शायद गलत हो गया। रुको जरा, सबर करो। ठंड में हम लोग बंकर में पहुंचते हैं, कैरोइटर के सामने अपना हाथ
जमा कर लेते और वो पगला अपनी कॉम्बैट जैकेट निकाल कर अपनी इनर में 200 पुशअप मारता। कौन था ये? जहांगीर, मैं 53RR का 2IC बोल रहा हूँ। आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। कोई कोई नहीं चलाएगा, कोई पैर नहीं करेगा। आ जा इधर, आ जा छोटू, जहांगीर इधर। सारे चुप, ऑल पार्टी क्वाइट। कोई और तो नहीं है, वेपन है, वही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। गलती हो गई, चिंता मत। पानी लाओ। ये क्या सीन है, ये जरा मुझे बताना। आई थिंक गलती से कोई किसी ने क्रॉस कर लिया है। कितना अच्छा बिहेव किया उन्होंने उसके साथ, और बहुत अच्छी वीडियो थी यार, बहुत मज़ा आया। लास्ट वाली वीडियो ने बहुत दिल जीत लिया, बड़े मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और सारी वीडियोज अच्छी थी। इस पर एक और पार्ट करेंगे ज़रूर, और जिनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है ना, उस पर भी ज़रूर रिएक्शन करना चाहती हूँ मैं, कि ट्रेनिंग जो होती है उनकी, जो सही प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है। और वैसे मुझे पता है ऑब्वियसली आर्मी की ट्रेनिंग है, सो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।